हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज के ब्लॉग का जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज मैं किसी स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहा हूँ जो कि अपने इलाके में आए हुए है। अभी आपको भी दिखाऊंगा, जल्दीबाजी में ही किया है सारा काम। अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी वॉशर में पानी नहीं है, तो वॉशर में पानी डालता हूँ। अभी सारे काम जल्दी जल्दी हो रही है। मतलब कि सुबह उठा, जल्दी तैयार हुआ। ये देख सकते हैं, गाड़ी को भी अच्छी तरह से नहीं धोया। ऐसे ही हो रहा हूँ जल्दीबाजी में तैयार, चप्पल में ही हूँ। कपड़े भी ये देख सकते हैं, दिख नहीं रहे होंगे, वाइट है, थोड़ी गंदी सी ही है। तो मैं जिनसे मिलने जा रहा हूँ, वैसे तो आप लोग थंबनेल में देख के या टाइटल में देख के पता लग गया होगा, तो क्या ही सस्पेंस बनाना। आकाश भाई है अपने, आकाश पवार, अरुण भाई के बड़े भाई, तो वो आए हुए हैं हमारे पास में ही। तो उनको खाटू श्याम जी के घुमा के लाएंगे और हर्षनाथ बेरू के घुमा के लाएंगे। तो वहीं पे जा रहे हैं, वो उन्होंने 7 बजे बुलाया था और 7 तो यहीं बज गए। तो चलिए चल के ही मिलता हूँ, लगभग 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दूर है मेरे से, आधे घंटे का रास्ता है। तो चलो चलते हैं। आ गए होटल में, आकाश भाई यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं और ये बाइक ले जाएंगे उनकी, क्योंकि वो उस बाइक से यहाँ पे पूरे जयपुर घूमे हैं। वो लास्ट में है ना, वो स्प्लेंडर, उस बाइक से पूरा जयपुर घूम लिए। ये रहा यश खान का भाई, बड़े भाई है तुम उसके। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं अभी यहाँ पे इस कार में। यहाँ से 50 किलोमीटर है खाटू श्याम जी। तो कार भी गंदी हो रखी है, देख सकते हैं। आकाश भाई भी ब्लॉग बना रहे हैं। Morning. May your day be full of joy and peace. Don't forget to wear seat belt. सीट बेल्ट लगाने को बोल दिए। हाँ तो आकाश भाई खाटू श्याम जी के चलोगे? हाँ जी भाई, ले चलिए, आप लेके चले। पहली बार ही आ रहे हो है? पहली बार? हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम है भाई, फर्स्ट टाइम राजस्थान में ही, फर्स्ट टाइम है मेरा तो। आप कम दिन के लिए आए? नहीं, सारी चीजें घूमते, काफी चीजें छोड़ दिया आपने। जैसे कि चोमू में 3-4 एक दिन का कौन वो देखने की चीजें तो चोमू में ही थी। कई ऐसे महल जो चोमू में हमने 2 जगह देख ली और हमारे पैर अब जब आप देख रहे हो, वो तो उदित लेके गया था, उदित ले गया। जमीन वाली चीजें भी काफी है। अगर आप कहोगे तो हम रुक जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है, आप कहो तो सही। आप बोल रहे आपने ट्रेन बुक करा ली है, तो ट्रेन तो कैंसिल हो जाएगी। 800 रुपए की ट्रेन हुई है, कौन सी महंगी हुई है, उसमें तो रिफंड आ जाएगा। चोमू में 3-4 तो महल है जिसमें कि आपने खाली महल देखे, उसमें यहाँ पे चीजें भी वो सेम टू सेम है, राजा मार्दा वाली। चलो निकलते हैं अभी खाटू श्याम के लिए फिर गाइस। गाड़ी को कर दिए पार्किंग और अभी चल रहे हैं यहाँ पे, चप्पल वगैरह खोल दिए गाड़ी में। अभी चलेंगे यहाँ पे खाटू श्याम जी, मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ इस साइड। अभी 4 किलोमीटर दूर है, ई रिक्शा ले लिया है। आकाश भाई कैसा लग रहा है ई रिक्शे में? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गए हैं, वापस जा रहे हैं, यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। आवाज़ कुछ नहीं आ रही होगी आपको, वैसे दर्शन कर लिए। क्यों आकाश भाई कैसा लगा? बढ़िया, मस्त लगा भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। आज तो तूने श्याम से मिलवा दिया। चलो अब चलते हैं यहाँ पे हर्षनाथ भैरू के मंदिर, पहले पेट्रोल डलाएंगे। स्टीयरिंग ये जा रही है हर्ष पर्वत पे और कैसा चल रहा है
आकाश भाई पावर कैसी है कार में? बहुत अच्छी है, पहले गियर में करनी पड़ रही है, बहुत अच्छी पावर है भाई गाड़ी की। दिस इज पेट्रोल पावर। क्या बोल, एक ही लाइन बोलते हो, किस चीज में एक्सपीरियंस है तुमको बताओ? यहाँ पे खड़ी गाड़ी होगा, वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन ये ब्लॉग वगैरह का लफड़ा होता है। यहाँ पे ना भी एक बीमारी चल रही है। कौन सी? गाय में चल रही है, गाय के दूध में, दूध में नहीं, गायों के शरीर के चमड़ी के अंदर खतरनाक बीमारी। ओ लंपी, लंपी बीमारी है वो, तो आपके यहाँ भी चल रही है शायद? नहीं अभी वहाँ तक नहीं पहुँची, पूरी इंडिया में ये पहुँचने में नहीं चाहिए। नागौर को लपेट दिया पूरे, फिर गाय उससे क्या खत्म, ऐसे ही चलती है। कुछ बोल तो सही मिले ना अपने ब्लॉग में। अरे इसमें म्यूजिक लगा देंगे, म्यूजिक पार्ट होगा व्यू। ये देखो ये विंड में और अपन को